स्वस्थ्यंश के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पालक हमारी सेहत के लिए किस तरह लाभदायक है। जब भी आपके शरीर में खून की कमी हुई होगी तो आपके डॉक्टर ने इसे बताया होगा और आपने पालक खा के अपने शरीर को और स्वस्थ भी किया होगा और अपने खून को भी बढ़ाया होगा। ये पालक का लाभ तो हर कोई जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी पालक के ऐसे 12 और फायदे हैं जिसकी वजह से अगर हम इसे एक सुपर फूड कहें तो ये कम नहीं होगा। अगर आप भी ये पालक के 13 फायदे जानना चाहते हैं तो कृपया मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को और अच्छा और बेहतर कर पाएं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वस्थ्यंश कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो अब चलते हैं अपने आज की लर्निंग की ओर। तो सबसे पहले पालक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। पालक को इंग्लिश में स्पिनच कहा जाता है और इंडिया के अंदर तो इसको पालक के नाम से ही जाना जाता है। ये ज्यादातर आपको हरे कलर का मिलता है, लेकिन कुछ जगह आपको ये पर्पलिश टू, हम कहें डार्क रेड, इस कलर का भी मिल सकता है और ये बहुत ही खाने में स्वादिष्ट होता है। इसको सलाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है और इसको पकाकर भी खाया जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ पालक पनीर तो आप में से काफी लोगों ने खाया होगा और काफी लोगों की ये फेवरेट भी होगी। तो इसको हम काफी तरीके से खाते हैं, इसको हम चटनी बनाकर भी खा लेते हैं, इसको हम अपनी चपाती के अंदर भी डालते हैं, इसको दाल के अंदर भी हम डालते हैं और इसका काफी तरीके से हम प्रयोग करते हैं। हरे सलाद के अंदर भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो चलिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इसके स्वास्थ्य लाभ किस प्रकार के हो रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोगों ने तो इसे अपना खून बढ़ाने के लिए जरूर इस्तेमाल किया होगा और इससे जो इसके खून बढ़ाने के बेनिफिट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि इसके अंदर हम कहें आयरन की मात्रा अच्छी प्रकार की होती है। इस साथ ही साथ इसके अंदर होता है विटामिन सी, जो साथ में लेने से आयरन की उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। और इसके अंदर एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फोलेट। तो जो 100 ग्राम पालक ले रहे हैं उससे आपको तकरीबन हम कहें पूरे दिन का 50% फोलेट मिल जाता है, पूरे दिन का तकरीबन 25% आयरन मिल जाता है और पूरे दिन का तकरीबन 50% आपको इससे विटामिन सी भी मिल जाता है। तो ये सारी चीजें इसमें उपलब्ध हैं जो आपका खून बढ़ाने के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपकी आयरन एब्जॉर्प्शन को भी ये आंत के अंदर बढ़ा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी पालक के बहुत सारे फायदे हैं, उनको अब हम जान लेते हैं। पालक के अंदर न्यूट्रिशन की भरमार है, इसके अंदर अच्छी प्रकार से बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का न्यूट्रिशन आपको मिलता है। कैलोरीज की बात करें तो इसके अंदर कैलोरीज बहुत ही कम है, 20 से 25 कैलोरीज मिलती है आपको जो आप 100 ग्राम पालक खाते हैं। इसके अलावा विटामिन देखें तो विटामिन K1 इस 100 ग्राम से आपको 4 दिन का मिल जाता है। इसके अलावा हम बात करें विटामिन ए की, तो ये बीटा कैरोटीन के रूप में ये आपको मिलता है और तकरीबन पूरे दिन की रिक्वायरमेंट आपकी ये 100 ग्राम खाने से पूरी हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन सी की, पूरे दिन का आपको 50% मिल जाता है इस 100 ग्राम से। इसके बाद फोलेट आपको पूरे दिन का 50% मिल जाता है, विटामिन B6 भी आपको पूरे दिन का तकरीबन 15 से 18% मिल जाता है और विटामिन ई भी आपको पूरे दिन का 10% अपने इस 100 ग्राम पालक से मिल रहा है। तो मिनरल्स की भी इसके अंदर भरमार है, मैग्नीशियम इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। इसके अलावा इसके अंदर आयरन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है। प्रोटीन्स भी इसके अंदर अच्छी मात्रा के अंदर है, तकरीबन 3% प्रोटीन आपको इससे मिलता है। इसके अंदर गुड क्वालिटी फाइबर है, तकरीबन 2.5% से 3% फाइबर आपको पूरे दिन का अपना यहाँ से मिल जाता है। तो आप ये देखें इतने अच्छे प्रकार का न्यूट्रिशन आपके पालक में है, इसीलिए हम इसको एक सुपर फूड भी बोलते हैं और ये आपकी सेहत को बहुत ही बढ़िया रखता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स की भी मात्रा इसके अंदर भरपूर है और ये एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। विटामिन सी एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, इसके अलावा विटामिन ए जो कि बीटा कैरोटीन के रूप में हमें यहाँ से मिल रहा है वो भी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है हमारे शरीर के अंदर। विटामिन ई भी इसके अंदर बहुत अच्छा होता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। इनके अलावा इसके अंदर होता है ल्यूटीन और जियाजेंथिन, कुछ फाइटेट्स भी इसके अंदर ऐसे होते हैं और ऐसे और कंपाउंड्स भी होते हैं जो हमारे शरीर में जाकर एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं और हमारे शरीर को बहुत ज्यादा फायदा करते हैं, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट हमें चाहिए। हमारे पूरे शरीर के अंदर इतनी सारी केमिकल रिएक्शन चलती रहती है और जब भी हम ये सांस लेते हैं श्वास के साथ हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं, उनको ये एंटीऑक्सीडेंट्स न्यूट्रलाइज करते हैं ताकि ये हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचा सके। तो जितनी अच्छी मात्रा के अंदर आप एंटीऑक्सीडेंट लेंगे उतने आपके शरीर के अंदर ये फ्री रेडिकल्स कम रहेंगे और आपकी एजिंग भी घटेगी और आपके शरीर के अंदर ये दूसरी सूजन या इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं, जिससे आपकी जोड़ों के अंदर दर्द या हमारे दूसरे ऑर्गन्स के अंदर जो इन्फ्लेमेशन चल रही है उसको ये काफी अच्छे से कंट्रोल करते हैं और हमें और स्वस्थ रखते हैं।
पालक हमारे दिल के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसके अंदर है नाइट्रेट्स जो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। और जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर बनती है तो हमारी आर्टरीज को ये रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हमेशा नियंत्रित रहता है। ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को घटाने के लिए बहुत ही उत्तम है और ये बहुत ही लाभदायक है। इसके अलावा इसके अंदर पोटेशियम भी अच्छी मात्रा के अंदर होता है, जो हमारी दिल को काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम भी इसके अंदर अच्छी मात्रा के अंदर है, जो हमारे दिल की मांसपेशियों को रिलैक्स रखता है, और उसकी जो ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है जिससे कि वो धड़कता है उसको भी बहुत अच्छा रखता है। तो ये तीनों चीजें मिलकर हमारे बीपी को कंट्रोल करती हैं, इनकी मांसपेशियों को अच्छा करती हैं, जिसकी वजह से हमें ये अजरंग जैसी दिखते हैं या स्ट्रोक जैसी दिखते नहीं होती और हमारा दिल और स्वस्थ रहता है। वजन घटाने के लिए और नियंत्रण करने के लिए भी पालक ही बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर कैलोरीज बहुत कम मात्रा के अंदर हैं। तो इसको आप कभी भी खा सकते हो, एज ए स्नैक भी खा सकते हो, तो आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। इसके अलावा फाइबर की मात्रा इसके अंदर अच्छी होती है, तो जितना पालक आप खाएंगे उतना आपका पेट है वो भरा रहेगा और उसको बार बार खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपकी ये क्रेविंग्स को भी शांत करता है और आपके स्टमक की फुलनेस को भी बढ़ाता है, आपकी सेटाइटी को अच्छा रखता है। इसके अलावा इसके अंदर जो विटामिन सी है वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप वेट लॉस कर रहे हैं तो ये आपकी चमड़ी को अच्छा रखता है। और जो वजन घटाते वक्त हमारी चमड़ी ढीली पड़ जाती है, जिसको हम स्किन सैगिंग बोलते हैं, उसको भी रोकने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आपके शरीर में ये झुर्रियां नहीं पड़ती और ये सफेद निशान नहीं पड़ते और आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसके अलावा इसके अंदर नाइट्रेट्स भी अच्छी मात्रा के अंदर होते हैं, जो आप वजन घटा रहे हैं उस वक्त आपकी मांसपेशियों को अच्छा रखते हैं। मैंने भी अपना वजन घटाते हुए पालक का अच्छे से इस्तेमाल किया और तकरीबन मैंने अपना 28 किलो वजन घटाया और मैं उसे अब अच्छे से मेंटेन भी कर पा रहा हूँ पिछले 2 साल से। तो इसलिए मैं आपको ये पर्सनली भी हिदायत देता हूँ कि आपको इसका अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, आपको फायदा ज्यादा होगा। पालक हमारी हड्डियों के लिए और दांतों के लिए भी बहुत ही बढ़िया है, उनको काफी स्वस्थ रखता है और स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि इसके अंदर जो विटामिन सी है वो हमारी बोन की और हमारे दांतों के मैट्रिक्स के लिए हमें चाहिए। तो अच्छी प्रकार से विटामिन सी होगा तो मैट्रिक्स बढ़िया बनेगा। इसके अलावा इसको स्ट्रांग करने के लिए इसके अंदर कैल्शियम भी अच्छी मात्रा के अंदर होता है, फॉस्फोरस भी अच्छी मात्रा के अंदर होता है। इसके अलावा जो इसके अंदर विटामिन के है वो आंत के लेवल पे काम करता है, और हमने जो दूसरा खाना खाया है उसके लेवल पे ये काम करता है, वहां से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को ये आंत के लेवल से बढ़ा देता है। तो इन्हें नेटशेल टोटल आपको ये फायदा होता है कि आपके हड्डियां और दांत और मजबूत हो जाते हैं। पालक हमारी आंत की हेल्थ के लिए भी बहुत ही बढ़िया है ये, और उसे बढ़ाता है और उसको काफी बूस्ट भी करता है, क्योंकि इसके अंदर गुड क्वालिटी फाइबर है जो हमारी आंत के अंदर जाता है और वहां पर एब्जॉर्ब नहीं होता, जिससे कि वो पानी को अट्रैक्ट करता है और हमारे स्टूल की वॉल्यूम को बढ़ाता है और उसको सॉफ्ट भी रखता है। तो आपकी कॉन्स्टिपेशन वाली समस्या भी इससे ठीक रहती है। इसके अलावा जो दूसरा फायदा ये करता है वो ये है कि ये जो गुड क्वालिटी फाइबर है इसके ऊपर बैक्टीरिया काफी उसे अपना खाना बनाते हैं और बैक्टीरिया का नंबर बढ़ता है। तो हमारी आंत के लेवल पे इतने अच्छे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमारे लिए बनते हैं, जो हमें स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जैसे कि हमें एलर्जी से बचाता है, अस्थमा से बचाता है। इसके अलावा सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन जो होता है वो भी ये बनाते हैं, जिससे कि हमें और अच्छा लगता है, हमारा मूड बढ़िया रहता है। इसके अलावा काफी स्टडीज में ये प्रूफ हुआ है कि जो लोग अच्छे से पालक खाते हैं उनका फैटी लिवर ठीक करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और लिवर से टॉक्सिन्स हटाने के लिए भी बहुत ही ज्यादा मदद करता है। तो आपका लीवर भी जब और बेहतर हो जाएगा तो आपकी पाचन क्रिया और अच्छी होने वाली है। इसलिए पालक का अच्छे से इस्तेमाल करें और अपनी आंत को और अपने पाचन क्रिया को और अच्छा कर लें। पालक हमारे शरीर में काफी सारे कैंसर्स होने से भी बचाता है, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इसके अलावा इसका जो हिपेटो प्रोटेक्टिव एक्शन है उसकी वजह से ये जो फैटी लिवर है उसको आगे नहीं बढ़ने देता, क्योंकि अगर फैटी लिवर आगे बढ़ता है तो अपने आप में वो भी एक कारण है जिसकी वजह से आपको लिवर कैंसर्स हो सकते हैं। तो आपके इस लेवल के ऊपर भी वो काम कर रहा है, आंत के लेवल पे ये काम करता है, और काफी स्टडीज में प्रूफ हुआ है कि जो लोग पालक और दूसरी हरी सब्जियां अच्छी मात्रा के अंदर लेते हैं तो उनके अंदर ये कोलोरेक्टल कैंसर्स होने की संभावना को काफी कम कर देता है। पालक हमारी एक्सरसाइज करने की एबिलिटी को बढ़ाता है और हमारे स्टेमिना को और बूस्ट करता है, हमें स्फूर्ति प्रदान करता है और हमें और फुर्तीला बनाता है। ये काफी सारी स्टडीज से प्रूव हुआ है कि जो लोग पालक का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर ये समस्याएं नहीं होती, उनकी मांसपेशियों में जकड़न नहीं होती और वो अच्छे से एक्सरसाइज कर पाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो आपको मिलता है वो है नाइट्रेट्स। और जब नाइट्रेट्स अच्छी मात्रा के अंदर हमें मिलते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ये नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और हमारी मांसपेशियों को भी रिलैक्स करता है और मांसपेशियों के अंदर खून भी अच्छी मात्रा के अंदर पहुंचता है। तो ऑल ओवर ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, बीपी को कम करता है, और जब हमारे
मांसपेशियों और हमारे अंगों के अंदर खून अच्छी प्रकार से पहुंचता है तो ये टॉक्सिन रिमूवल के अंदर हमें फायदा पहुंचाता है, तो जिस वजह से हम हमेशा स्फूर्तिवान बने रहते हैं और हमारी एनर्जी हमेशा बनी रहती है और कभी भी हमें ऐसा नहीं लगता कि हमें काम करने का कोई मन नहीं कर रहा या हमारा एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा, तो ये आपके स्टेमिना को और एनर्जी को हमेशा बूस्ट करके रखता है। पालक हमारी इम्यूनिटी को भी बहुत ही अच्छा रखता है और हमें दूसरे रोगों से बचाता है क्योंकि इसके अंदर स्ट्रांग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें बीमार होने से बचाती हैं, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ई और बीटा कैरेटिन। ये तीनों मिलकर हमारी जो ताकत होती है जिससे हमारा शरीर दूसरे रोगों से लड़ता है उसको काफी ज्यादा बूस्ट करते हैं, प्लस ये इंटेस्टाइन के लेवल पे जो काम करता है वहां से भी हमारी इम्यूनिटी को फायदा पहुंचाता है, क्योंकि तो हमारा जो गट माइक्रोबायोम है वो हमारे लिए अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहा है जिससे हमारी इम्यूनिटी और अच्छी हो जाती है। पालक हमारी आंखों के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि इसके अंदर बीटा कैरेटिन अच्छी मात्रा के अंदर है और बीटा कैरेटिन विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है हमारे शरीर के अंदर। इसके अलावा जब ये बीटा कैरेटिन हमें मिलते हैं, विटामिन ए में मिलता है, तो हमारे को ये नाइट ब्लाइंडनेस से बचाता है। जिन लोगों के अंदर विटामिन ए की कमी होती है तो उनको धीरे धीरे नाइट ब्लाइंडनेस होने लग जाता है और उनको रात में अंदर दिखाई नहीं देता। आपने पाया होगा कि जब भी आप अपने रूम की लाइट बंद करते हैं रात को तो एकदम से आपको अंधेरा लगता होगा, लेकिन कुछ देर बाद आप उस रूम के अंदर कुछ ना कुछ देख पाते हैं। तो ये जो हमारी एडजस्टेबिलिटी होती है, ये जो अडेप्टेबिलिटी होती है, तो इस फंक्शन को प्रिजर्व करने के लिए विटामिन ए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके अंदर ल्यूटिन और जियाक्सिन भी होते हैं जो हमारी आंखों को, जो आंखों के अंदर ज्यादा रोशनी आती है उससे बचाते हैं। इसके अलावा जो हमारा रेटिना होता है जिसे हम आंख का पर्दा बोलते हैं, उसके अंदर जो बदलाव आते हैं उम्र के साथ उनको होने से भी बचाते हैं और उनको हमेशा कंट्रोल करके रखते हैं, जैसे कि हम मेडिकल भाषा में एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन बोलते हैं। पालक भी स्वस्थ त्वचा के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हम कहें पानी भरपूर मात्रा के अंदर है, 90 से 95% पालक के अंदर पानी ही होता है। इसके अलावा विटामिन सी भी इसके अंदर अच्छी मात्रा के अंदर है। बीटा कैरेटिन, विटामिन सी और विटामिन ई, ये सारे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और आपकी त्वचा के ऊपर जो धूप पड़ती है उससे आपकी त्वचा के नीचे जो नुकसान पहुंच रहे हैं कोशिकाओं को, उसको ये इमिजिएटली ठीक करते हैं और उन्हें बढ़ने नहीं देते, ताकि आपकी त्वचा हमेशा बढ़िया बनी रहे, चमकदार बनी रहे और उसके अंदर ये झुर्रियां ना पड़े और एज रिलेटेड जो चेंजेस उसके अंदर आते हैं उनको ये काफी प्रिवेंट करता है और सनलाइट के डैमेजेस को काफी रोकता है। पालक हमारी शुगर को कंट्रोल करने के लिए भी काफी ज्यादा लाभदायक है और ये काफी स्टडीज में प्रूफ है कि जो लोग अच्छे से पालक का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर शुगर कंट्रोल काफी बेहतर रहता है। काफी स्टडीज में ये भी पाया गया है कि इसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं, तो जब आपका इंसुलिन अच्छे से काम करेगा तो आपका शुगर कंट्रोल और बेहतर हो जाएगा और आपकी ये हम कहें HbA1c लेवल है वो भी कंट्रोल के अंदर आ जाएंगे और आपके शरीर के अंदर हमेशा शुगर की मात्रा का नियंत्रण रहेगा। इसलिए डायबिटिक्स को तो इसको रेगुलरली इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनका स्वास्थ्य और बेहतर हो जाए और उनका चीनी की जो ये मात्रा है वो भी हमेशा नियंत्रित रहे। तो अब डिस्कस करते हैं कि पालक को हम किस तरह खाएं कि हमें स्वास्थ्य लाभ ज्यादा हो। तो इसके लिए जो हेल्थ टिप्स हैं वो इस प्रकार हैं कि आप कोशिश करें पालक को हमेशा आप कच्चे में भी खाएं, सलाद के रूप में, और हमेशा उसको पका कर भी खाएं। ये दोनों रूप में अगर आप लेते हैं तो आपको फायदा मैक्सिमम होगा। इसलिए आप हमेशा सूप्स के अंदर, अपने स्मूदीज के अंदर, जूस के अंदर, जहां भी आप पालक का प्रयोग कर सकते हैं आपको पालक का प्रयोग करना चाहिए। पालक को जब आप पकाकर खाते हैं तो इसके अंदर कुछ बदलाव आ जाते हैं, कुछ इससे फायदे भी होते हैं लेकिन कुछ इससे नुकसान भी होता है। सबसे पहला फायदा जो हमें हो रहा है वो ये है कि इसके अंदर ऑक्जलेट्स की मात्रा कम हो जाती है, और जब ये ऑक्जलेट और फाइटेट की मात्रा इसके अंदर कम होती है तो इससे हमें जो फायदा होता है ये है कि हमारे गुर्दे के अंदर पथरियां नहीं बनती। तो जिन भी लोगों को गुर्दे के अंदर पथरियां रहती हैं तो उनको पालक बंद नहीं करना चाहिए बल्कि पालक को पकाकर खाना चाहिए और पानी का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए ताकि उनको पथरियां ना बने। मैंने ये देखा है जो लोगों को गुर्दे की पथरियां हैं वो ज्यादातर लोग पालक को खाना ही बंद कर देते हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा एक और फायदा जो हमें मिलता है इसका वो ये है कि इसके अंदर हम कहें कि जो आयरन होता है वो अब अच्छी फॉर्म के अंदर होता है, जो हमारी आंत के अंदर से अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकता है। तो ये फायदा भी हमें मिलता है जब इसे पका कर लेते हैं तो आयरन एब्जॉर्प्शन हमारी आंत के अंदर बढ़ जाता है। लेकिन जो एक नुकसान इसका हो रहा है पकाने से वो ये है कि विटामिन सी की मात्रा इसके अंदर खत्म हो जाती है। तो जब विटामिन सी हमारी डाइट के अंदर नहीं होगा तो हमारी आयरन की एब्जॉर्प्शन घट जाएगी। इसलिए जब भी आप इसको पकाकर खा रहे हैं
तो उस वक्त आप इसके अंदर विटामिन सी ऐड कर लें शिमला मिर्च के रूप में या नींबू के रूप में, ताकि आपकी आयरन अब्सॉर्प्शन बढ़ जाए। दूसरा, आप जैसा कि आप ये नींबू इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, तो इसका एक और जो फायदा आपको हो रहा है वो हो रहा है कि आपके नाइट्रेट्स को ये स्टेबलाइज करता है, ताकि आपको आराम से ये नाइट्रिक ऑक्साइड देता रहे और आपके शरीर के अंदर नाइट्रोसामिन ना बने। अगर हमारे शरीर के अंदर ज्यादा नाइट्रेट्स होते हैं तो नाइट्रोसामिन में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनसे हमारे शरीर को कुछ नुकसान हो सकता है। पालक को पकाते हुए भी आपको कुछ काम और करने चाहिए, जिससे कि आपकी पालक की गुणवत्ता और बढ़ जाए। पालक को पकाते हुए अगर आप उसके अंदर गुड क्वालिटी हेल्दी फैट डालते हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल है या देसी घी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको भी आप ऐड कर लेते हैं, अलसी का तेल ऐड कर लेते हैं, आलमंड ऑयल ऐड कर देते हैं, तो आपको फायदा ज्यादा होगा। क्योंकि अब इस फैट के साथ जब आप उसे ले रहे हैं, तो आपकी आंत से बीटा कैरोटीन की अब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छी होने वाली है, तो आपको ये फायदा भी होगा। तो अगर हम कहें बेस्ट तरीका क्या है पालक का इस्तेमाल करने का, तो वो ये है कि इसको पकाकर खाएं, उसके अंदर विटामिन सी ऐड कर लें, और जब इसके साथ आप कच्चा पालक खाएंगे तो वहां से भी आपको विटामिन सी भी मिलेगा और इसके काफी ऐसे गुण भी मिलेंगे जो आपको पकाने पर हम कहें खत्म या कम हो रहे हैं। तो आप इनको मिलाकर खाएं और अच्छे ऑयल के साथ आप थोड़ा सा इसको लेंगे तो आपको ज्यादा फायदे मिलने वाले हैं। ये इसकी बेस्ट रेसिपी है आपके लिए। यही जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कुछ लोगों को पथरिया बनती है गुर्दे के अंदर, उसमें पालक एक कारण हो सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण पथरियों का है वो ये है कि आप पानी कम पी रहे हैं और विटामिन सी की मात्रा आपके अंदर कम है। अगर आप अपना विटामिन सी अच्छी मात्रा के अंदर लेते हैं और पानी पीना बढ़ा देते हैं, तो आप पालक अगर खाएंगे तो भी आपको गुर्दे के अंदर पथरियां नहीं बनेगी। तो कृपया जिनको भी गुर्दे के अंदर पथरियां हैं, वो कृपया इसका सेवन करते रहें, लेकिन कम मात्रा में, और पानी पीना बढ़ा दें, साथ में विटामिन सी जरूर ऐड कर लें, तो आपको नुकसान नहीं होगा। कुछ लोग इसको पकाकर हमेशा खाना इसलिए भी पसंद करते हैं कि उनका मानना यह होता है कि अगर हम कच्चा पालक खाएंगे तो उससे हमें जो इसके अंदर कीटाणु हैं या दूसरे इसके अंदर जो और इसको उगाते हुए इसके अंदर पेस्टिसाइड्स लगे हुए हैं, वो हमारे शरीर के अंदर चले जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि पालक के अंदर ज्यादातर बहुत कम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है। पेस्टिसाइड को इस्तेमाल करने की इसमें जरूरत पड़ती ही नहीं, और कुछ अगर इनके अंदर पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो भी रहा है तो उनको अगर आप अपने सिर्फ फ्लोइंग वाटर के अंदर धो लेते हैं या उसके अंदर 10 मिनट रख देते हैं, उससे ही आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं अब ये सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि पालक आपकी सेहत के लिए किस तरह लाभदायक है और किस प्रकार आपको इसे अपनी डाइट में शामिल कर लेना चाहिए, ताकि आपका और आपके परिवार का स्वास्थ्य और अच्छा हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी इस प्रकार की वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिन भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं। आपकी वेट लॉस जर्नी में आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके कुछ क्वेरीज हैं, आप कहीं रुके हुए हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं तुरंत उनका जवाब दूंगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मुझे ऐसा लगा भी कर उनके लिए एक डिटेल यूट्यूब नोटिफिकेशन जरूर दबा दें, उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर आने वाली यूट्यूब करूंगा नोटिफिकेशन। आपको धन्यवाद, हो जाए, स्वस्थ रहें।